लिस्ट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स टू हेल्प यू। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं और उनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं। जिस सीक्वेंस में आते हैं उसी सीक्वेंस में सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके ऑर्डर में लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, पूरा हमारा जेड तक लिखे हैं एंड दे आर 26 लेटर्स, तो हमने पूरे नंबर्स भी डाल दिए हैं। नाउ टीनू वांट्स टू राइट टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अगर लिखना है नंबर्स में तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे हमने जे का नंबर था 10, जे का नंबर था 10, पी का नंबर था 16, यानी कि जिस नंबर पे वो आ रहे हैं उसी नंबर को हमें लिखना है। तो वही रूल फॉलो करते हैं, जी का नंबर है हमारा 7, उसके बाद ओ का नंबर है 15, अगेन ओ का नंबर 15, देन डी, डी इज 4, यहाँ लिख दिया हमने 4। नेक्स्ट मॉर्निंग एम, एम इज 13, देन ओ, ओ इज 15, देन आर, आर इज 18, एन, एन इज 14, आई, आई इज 9, एन, एन मीन्स 14 अगेन, देन 7 जी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया आपका गुड मॉर्निंग इन नंबर्स। नाउ इफ यू चेंज द रूल एंड राइट 1 इन प्लेस ऑफ पी, 3 इन प्लेस ऑफ डी। यहाँ देखिए, अगर हमने पी की जगह पे 1 लिखा है, यानी कि एक लेटर पहले वाला नंबर हमने लिखा है, इसका नंबर नहीं लिखना, एक लेटर पहले वाला नंबर लिखना है। और डी में भी हमने यही किया, सी का लेटर, जो सी लेटर है उसका नंबर लिख दिया 3। ये वाला रूल हमें फॉलो करना है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द सीक्रेट मैसेज फॉर लेटेस्ट डांस। नाउ लेटेस्ट डांस के लिए क्या लिख सकते हैं? लेट एल, एल मीन्स एल, मेरा 12 नंबर है इसका, लेकिन हमें ये नहीं लिखना, हमें एक नंबर, एक डिजिट, एक लेटर पहले वाला, एल के पहले वाला के है उसका नंबर है हमारा 11, उसके बाद हमारा आ जाता है ई, ई के पहले वाला हो गया डी, डी का हमने लिखा 4, फिर टी, टी आ गया है हमारा 20, ठीक है, उससे पहले वाला यानी कि 19, और यू एस, यू हो गया हमारा 21, लेकिन हम टी वाला लिखेंगे 20, और एस, एस 19 है लेकिन हमें लिखना है आर का यानी कि 18। इस तरह से हम लेटेस्ट डांस को भी पूरा कर देंगे और नंबर्स में आ जाएंगे। मोर सीक्रेट मैसेजेस, जब यू सी वी हैव चेंज ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, दैट इज वी राइट जी इन प्लेस ऑफ एफ, O in place of N. So, yes becomes ZFT. अब हमने कौन सा रूल लिया है कि हम जो भी लेटर आ रहा है उसके नेक्स्ट वाला लेटर हम ले रहे हैं, जैसे वी राइट जी इन प्लेस ऑफ एफ, एफ के बाद आता है जी, तो हमने उसके बाद वाला लिखा, उसके बाद एन के बाद वाला ओ, तो हमने ओ लिखा। इसी तरह से हम इसको फॉलो करते हुए यस लिखना है, वाई के बाद जेड, E के बाद F, S के बाद T, तो हम यस को क्या लिखेंगे? ZFT. काहुली, oh, now I understand. काहुली, see what I have written. अब इन्होंने कुछ लिखा है, इसे हमें डिकोड करना है, यानी क्या मैसेज लिखा है? What was काहुली's secret message? अब हम रीड करके देखते हैं। X, X के बाद आता है W. इस तरह से हमें ये पूरा करना है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि X से पहले वाला हमें यहाँ लेना होगा, क्योंकि हम जब मैसेज लिख रहे हैं तो हमने बाद वाला लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला लेंगे। यहाँ पे देखिए X, ठीक है, X से पहले वाला W, फिर F से पहले वाला E, B के पहले वाला A, S के पहले वाला R, F से पहले E, G से पहले F, S से पहले R, J से पहले I, इस तरह से हम कंप्लीट करते जाएंगे एंड द मैसेज इज वी आर फ्रेंड्स। व्हाट डिड शबलू एंड जग्गू राइट? शबलू, शबलू ने ये लिखा है हेलो हाउ आर यू,
Jaggu, fine, thank you. Shaggu, will you play with me? Jaggu, yes. तो जग्गू और शब्बू ने अपने सीक्रेट मैसेजेस में ये लिखा है, यूज द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून. मीट मी ऑन द मून को हमने सीक्रेट मैसेज में लिखा है, एम के बाद एन, ई के बाद एफ, ई के बाद एफ टी डी यू, एम एन ई एफ, यानी आप हर लेटर को इसका नेक्स्ट वाला लेटर लिख रहे हैं, ये रूल फॉलो करते जा रहे हैं. नेक्स्ट है अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन क्या होता है? उल्टा होना, सर पैर की जगह और पैर सर की जगह. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सर नीचे आ गया है, पैर ऊपर. अनीशा इज प्लेइंग, शी इज शोइंग हर फ्रेंड्स दैट शी कैन स्टैंड ऑन हर हेड. नाउ अनीशा इज प्लेइंग विद हिज कार्ड. ना बोलिए बोलिए. सर ये कंपनी का पैसा ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, उसमें मैं नहीं लेता लेकिन इसमें लिख दिया हुआ है टीचर डोनर्स के बारे में कितने हैं. मैं मेरे बेटे के पास दे दो. हां यस आई एम प्लेइंग अगेन. व्हाट इट विल लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन का मतलब है जो भी पिक्चर है वो उल्टी हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस पिक्चर में देखना है कि क्या चीज उल्टी होने पर कैसे दिखाई देगी. अब हम सेवन को जो देख रहे हैं, अगर हम इसको कार्ड को उल्टा ही पकड़ लेते हैं तो हमारा सेवन ये सीधा दिखेगा, ये भी सीधा दिखेगा, बट ये सारे हमारे उल्टे हो जाएंगे. आप यहाँ से इस डायरेक्शन से ऊपर से भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से देखेंगे ये सारे आपके उल्टे हो गए हैं, ये भी उल्टा हो जाएगा, सेवन भी उल्टा हो जाएगा. तो ये सारे उल्टे हो गए हैं अपसाइड डाउन, बट ये सीधा ही रहेगा क्योंकि ये अभी उल्टा है. तो जैसे ही आप इसको सीधा उधर से देखेंगे ये इस तरह से बन जाएगा. नेक्स्ट है फ्लोर पैटर्न. फ्लोर पैटर्न आप देख रहे हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही दिया हुआ है. नाउ यू कवर द फ्लोर विद दिस टाइल. ये टाइल आपको दिया हुआ था, कुछ पैटर्न दिया हुआ था, कुछ कंप्लीट कर दिया है. ये टाइल आपकी येलो और यहाँ पे पर्पल कलर से दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करते जाएंगे, एक येलो एक पर्पल, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा फ्लोर पैटर्न. दिस इज कॉल्ड फ्लोर पैटर्न. Now try this with this green tile without leaving a gap. Would you do it? यहाँ देख रहे हैं कि सर्कल वाली टाइल है, सर्कल वाली टाइल है उनको एक साथ रखा हुआ है तो यहाँ पे बीच में गैप्स भी आ रहे हैं. तो हम इस तरह से गैप्स अगर आ रहे हैं तो हम टाइल से हम पूरा फ्लोर कवर नहीं कर सकते हैं. सो वी कैन नॉट कवर द फ्लोर विद दिस ग्रीन टाइल विदाउट लीविंग अ गैप. गैप जरूर आएगा. थैंक यू फ्रेंड्स. इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज और Yes, my video is over. Now this is the time for discussions. What you understand from this video? Now first chance goes to Sai. Sai beta, आपने जो video देखा, जितना आपको समझ में आ गया उतना आप मुझे बताएंगी. Sai, Sai ने कैमरा बंद कर दिया. Yes, sir. आपको क्या समझ में आया बोलो. सही, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है. मुझे कोई आवाज आपकी नहीं आ रही है. मैं अमृता से पूछता हूँ. अमृता आप बताओ. सर मुझे सीक्रेट पैटर्न समझ में आए. ओके, क्या था सीक्रेट पैटर्न? क्या था सीक्रेट पैटर्न में, क्या था? थोड़ा बहुत तो बता, जितना आता है बाकी तो मैं बताने वाला हूँ. चलो उन्नति बताना चाहती, उन्नति को बोलने दो. उन्नति बोलो. यस सर, उसमें सीक्रेट पैटर्न बताया था, उसमें सारे लेटर्स को लिया था और उसके अकॉर्डिंगली उसे नंबर्स दिए थे, और अगर कोई उसे मैसेज लिखना है तो उस लेटर का कौन सा नंबर है वो हमें वहां पे लिखना है. ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा बात कही आपने. गौरी शिंदे आपको क्या समझ में आ गया इस वीडियो से? सर मुझे ये समझ में आया कि जो नंबर है उन्हीं के अकॉर्डिंगली लेटर्स है और
खेल रहे हैं। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही है आपने। अब मैं पूछू ना अर्णव गोडसे से, अर्णव गोडसे आपको सीक्रेट मैसेज से क्या समझ में आ गया? सर एक लेटर पीछे वाला। सिर्फ पीछे वाला ही था क्या, आगे वाला भी था? आगे वाला भी था। हाँ, तो आपको ऐसे कोई कोड्स दिए जाएंगे, उस कोड से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन हम उसे डीकोड करेंगे। कैसे डीकोड करते हैं? पहले तो जब भी आपको इस तरह का सीक्रेट मैसेज आ जाएगा, आपको पूरी एबीसीडी लिखनी है। एबीसीडी के नीचे पहले नंबर्स लिखने हैं। नंबर्स लिखने के बाद में आपको जो भी मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज आप पढ़ नहीं सकते हैं, उसको आपको गेस करना पड़ेगा कि ये नंबर अगला वाला है या पिछला वाला है। तो अभी मैं आपको एक सीक्रेट मैसेज यहाँ से डिस्प्ले करूंगा और आपको पता करना है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं डिस्प्ले कर देता हूँ और कौन जिसको पता चलेगा वो पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखेगा। जिसको पता चलेगा वो पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखेगा और आप उसको बोलोगे नहीं। मैं टाइप कर रहा हूँ और आप उसे पता करो कि ये क्या है। ठीक है, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग, जस्ट वन मिनट। किधर गया हूँ? बहुत सिंपल है, आप बहुत जल्दी से पहचान सकते हैं, मुझे पता है। आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा है। मैं एक स्टूडेंट से पूछूंगा, उन्नति आपको जियो बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? उन्नति? नो सर। देखो देखो नो सर। देखो 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 नो सर। नो सर अभी आ गया होगा। थोड़ा सा तो सब्र करो, एक आध दो सेकंड लगते मुझे पता है। ओके वेल डन, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाई दे। थोड़ा सा बड़ा वाला लेता हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ आपको पता कर लेना चाहिए। ठीक है, ये चलना वापस। ओके दिखाई देगा, अभी मैं लिख रहा हूँ। सर ये ऐप है, ये दिखाई दे रहा है आपको? मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है कि आपको? यस सर। बस इतना ध्यान दो, yes, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं yes, बोलेंगे, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। बीच में नहीं बोलना है, कौन बोला है बीच में? मैं उसको हटा दूंगा अभी, जो बीच में बोलेगा वो। मैंने पहले ही बोला बीच में नहीं बोलना है। अविरल आपको बोला था ना बीच में नहीं बोलना है, अभी बोला तो मैं हटा दूंगा क्लास से आपको। मैंने क्या लिखा है आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लीज आप इसके नीचे सीक्रेट मैसेज लिख दीजिए। आप मैं सारा कैपिटल ही लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा।
लिखो अभी, इसके नीचे आप लिखो क्या आपको समझ में आ गया, आप चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। सर नोटबुक में लिखना है। तो कहाँ लिखते हो आप रोज, आप रोज कहाँ पे लिखते हो आंसर, ये बताओ मुझे। किसने पूछा था ये क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन J M P U F Z P X जिसको आंसर आता है वो चैट बॉक्स में लिखेगा। ये क्या डिफरेंस? क्या डिफरेंस? किसको मिल गया? उन्नति कुछ दिखा रही, मैं उन्नति को क्लिक करके देख रहा हूँ। नहीं दिखाई दे रहा मुझे, नहीं दिखाई दे रहा है उन्नति, बहुत ही ब्लर दिखाई दे रहा है। बेटा ये अल्फाबेट लिखना है, इस जो मैंने प्रेजेंटेशन किया है उसके लिए आप अल्फाबेट ही लिखेंगे, नंबर्स नहीं। जेनित कुछ बता रहा है, जेनित का भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी जेनित, ना ही कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे का आप हमेशा उल्टी नोटबुक दिखाते हो, आपके लिए सही हो सकती, मेरे लिए तुम्हें देखो कैसे देख रहा हूँ उल्टा। कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको, आप टाइप कर सकते हो। हाँ किसी ने, कीर्ति ने थोड़ा कोशिश किया है लेकिन पूरा सही नहीं आया है, कीर्ति की कोशिश सही है बट। सिद्धि गोडसे यू आर राइट, संप्रीति यू आर राइट, आना अविरल जोशी यू आर राइट, अंशुमान यू आर राइट, सोहम झांझरे you are right, Dibyanka you are right। So the secret message is, आपको पता चल गया है कि मैंने क्या लिखा था, very good। आप जब दूसरे एक दूसरे के वो questions करेंगे, क्या बताया है ये rule बताएगा मुझे हर्षिता। हर्षिता बहुत दिनों के बाद आप class में आ गई है, कहाँ गया है प्रीति जरा बताना मुझे। सर मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। हाँ तो आपको भाई, आप तो स्कूल में तो नहीं है ना, आप ऐसे आराम से मुझे मैसेज कर देती कि सर मुझे चिकन पॉक्स हुआ है, मैं चुपचाप क्लास अटेंड करूंगी, मैं बात नहीं करूंगी, तो क्या मैं मना कर देता आपको? आप चुपचाप तो सुन सकती थी। हाँ मैंने मैम को, मैंने है ना प्रियंका मैम को मैसेज किया था। बहुत अच्छी बात है, आप अपना केयर करो, लेकिन मुझे भी तो एक मैसेज कर सकती है आप, में आप मेरा नंबर नहीं है आपके पास। आपको ये मैसेज समझ में आ गया हर्षिता? यस सर। क्या किया है मैंने, इसमें क्या रूल है? बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी आई लव यू लिखा है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गलती से मैंने पीछे का वर्ड यहाँ पे ले लिया था। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं इसका आंसर ले लेता हूँ। क्या किया है मैंने, जे आई जे मतलब मैंने आफ्टर नंबर लिया है। क्या करना है इसको, आफ्टर एम के बाद क्या आता है, क्या आता है, के एल एम
आई एल ओ वी इसे बिफोर नंबर्स क्या लिया मैंने, सब अल्फाबेट का बिफोर नंबर ले लेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। देखो मैंने कोशिश की लिखने की, आई होप कि जेनित को दिखाई दे रहा है। जेनित ये सही आया क्या, जेनित समझ में आया? जेनित ऐसे बोलो, ओके गुड गुड, मैं आपको देख रहा हूँ। तो जे से पहले आ आता है, यम से पहले यल आता है, पी से पहले वो आता है, यू यू से पहले वी आता है, यप से पहले ये आता है, आई लव यू। अभी और एक दे रहा हूँ, रेडी है आप? सही रेडी है, कीर्ति रेडी है? दे दूं मैं नेक्स्ट सीक्रेट मैसेज? यस सर। चलो मैं देता हूँ, और कि मैं अभी क्या करता हूँ, दूसरा पेज ले लूं? ओके तो मुझे दूसरा पेज लेना है, तो कैसे करना पड़ेगा ये? चलो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, जा नहीं रहा ये तो इधर से, पता है। चलो आगे तो आगे के बटन को दबाना पड़ेगा। आगे का ले लिया मैंने, अब मैं दे लिख रहा हूँ, देख लो अभी को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा आ जाता है। यस जी जेड याम जे, ये हो गया। देन फिर मैंने लिखा यहां पे एक्स ये आप इलेज कर दो ना, बताओ ये क्या आएगा इसका। और फिर नीचे भी लिखा है मैंने ये एक्स कौन लिख सकता है, कोशिश करो। एस जी झेड एम जे एक्स ए टी ए एक्स कीर्ति म्यूट करो, कोशिश करो कौन जल्दी बता देता है। देखता हूं मैं आपको सीक्रेट मैसेज किसको समझ में आ गया, किसको समझ में आ गया मैं देखना चाहता हूं। शांभवी का आंसर सही है, मृणाल का सही था, जानवी विराना, अरे जानवी विराना का क्लास में आई है, वाव। कौन करेगा, एस जी जेड एम जे एक्स ए टी एक्स ए एक्स। उन्नति का आ गया, उन्नति तो बैठ गई, उन्नति का आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब
पता चला? यस सर। यस सर, उसने बहुत दिमाग लगाना। दिमाग लगाने के लिए तो टाइम दिया मैंने सर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट दे रहा हूँ, रेडी रहो आप। लास्ट होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। मैं दूसरा दे रहा हूँ, अभी देख लो अभी। सर हाँ, वहाँ पे यू कैसे आया? ओ सर, थैंक यू, बाय बाय। वो यू में पी लिखना, मैंने ये लिखा था वो। बाकी थैंक यू का तो समझ में आ गया ना? हाँ, थैंक यू का समझ में आया। और एक समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब मैं दूसरा दे रहा हूँ, अभी देख लेना। ये जिसको आएगा वो चुपके से टाइप करेगा। मैं टाइप करके दे रहा हूँ, ठीक है ना? फिर मत बोलना सर मुझे नहीं आया। लिखा मैंने, दिखाई दे रहा है क्या आपको? नो सर। देखो तो सर। नो सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस। ये क्यू है या ए? क्यू, मैं कैपिटल लिख रहा हूँ सारे, ठीक है? वेरी गुड अथर्व, समीर और कृति, गौरी, यू आर टू स्मार्ट, इसलिए आप स्मार्ट हो गए। देखो मैंने आपके लिए बोला आई लव यू,
देन फिर मैंने बोला थैंक यू बाय बाय, फिर मैंने बोला यू आर टू स्मार्ट, बोला कि नहीं बोला? जब आप अच्छा काम करोगे तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा सर, और एक दीजिए ना। मजा आ रहा है आपको अभी? यस सर, यस सर, यस सर, एक मिनट मैं दीजिए ना प्लीज। मैं डिफिकल्ट दूंगा पहले बता रहा हूँ, चलेगा? किस सर? यस सर, चलेगा सर। ओके सर। इधर गलती है, कुछ वो काम की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया उधर। चलो मैं दूसरा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी देख लो। अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं पहले बता रहा हूँ, फिर मत बोलना कि सर मुझे नहीं समझ में आया। दे दूं क्या? ये लास्ट है, ये लास्ट है, जिसको आता है। और मजा, अरे मजा तो आना चाहिए ना, मैथ्स पढ़ना है मतलब मजा ही करना है। आई क्यू क्यू एफ एफ सी एफ सी ए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दिमाग लगाओ, पेंसिल मत खाओ, मुझे सब दिखाई दे रहा है यहाँ से। कौन बोला वो बीच में? बच्चे बोलने में बहुत शातिर हो गए, बीच में बोलते रहते है ना अर्षिता, बीच में ही बोलते। तो आज आपको मैं पांच सीक्रेट मैसेज लिखने के लिए बताऊंगा। आप उसके नीचे रूल भी बताइए, आप खुद सीक्रेट मैसेज बनाइए, एक दूसरे को अपने फ्रेंड्स को भेजिए। आप सीक्रेट मैसेज तैयार करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, उसको बोलो तू मेरे सीक्रेट मैसेज का आंसर बताओ, और फिर आपका दोस्त भी एक सीक्रेट मैसेज बनाएगा और आपको भेजेगा तो भी चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मुझे आशा है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। कौन कौन आंसर दे रहा, मैं जरा पढ़ के तो देखूं। कोई गुड बॉय लिख रहा है, कोई जी आर जी जी बॉय लिख रहा है। थोड़े से आंसर्स के पास आए लेकिन एक मिस्टेक हो रही है। करेक्ट आंसर अभी किसी का आया नहीं है, आंसर के पास है। आंसर के पास है अभी आप। दिव्यांका मैंने करेक्ट लिखने के लिए बोला है। इसका आंसर है गुड डे। सब गुड बाय लिख रहे हैं लेकिन डे कोई नहीं लिख रहा है, कोई गुड डे। चलो आई एम स्टॉपिंग द प्रेजेंटेशन नाउ। सो व्हाट इज द टुडेज होमवर्क? हाँ अमृता दिखा रही नोटबुक। आज का होमवर्क है, आज आप पांच सीक्रेट बोलो। कौन बोला अभी? मुझे क्या पता चलेगा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप हाथ ऊपर करो तब मुझे आप दिखाई दोगे। ऐसे फिंगर उठाना है, सर बोलेंगे तो पूरे 40 बच्चे क्लास में मैं कहां देखूं कौन बोला किधर बोला।
तो आज आपको 5 सीक्रेट मैसेज बनाने हैं जिसमें कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आई लव यू, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे, यू आर टू स्मार्ट, कितनी सिंपल वर्ड है ये। आप अपने दोस्त को 5 एक कागज पे लिखेंगे और आप उसको अपने दोस्त को भेजेंगे और आपका दोस्त उसका आंसर बनाएगा और आपको दे देगा। आप किसी भी दोस्त को बना सकते, मुझे पता है 10-12 बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे तो सो जाएंगे। बराबर है कि नहीं माही? बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, पहले बताया मैंने। आज आपको 5 सीक्रेट मैसेज बनाने हैं और वो मैसेज आप अपने दोस्त को सेंड करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि आपके दोस्त उसको डिकोड कर पाता है नहीं।